दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया चैनल का बिग न्यूज ऑफ संडे शो आज है 1 सितंबर 2024 और इस प्रोग्राम में आज, आज आप देखेंगे छह इजरायली होस्टेजेस की बॉडी मिलने से मचा हड़कंप हमास ने कहा इसराइल के हमले में मारे गए सभी अमेरिका को भी बताया जिम्मेदार हमास समेत तमाम फलस्तीनी मूवमेंट्स का ऐलान जब तक फलस्तीन महफूज नहीं तब तक इसराइल में मचती रहेगी तबाही आर पार होगी जंग कट्टरपंथी बैनगुन ने के सिर में गोली मारने का किया मुतालबा, तीन पुलिस अफसरों के मारे जाने से गुस्से में में मिनिस्टर वेस्ट बैंक भी खतरनाक हो रहे हालात सुन्नी मुसलमानों की सबसे ऊंची गद्दी ने कहा फलस्तीन का नामो निशान मिटाना चाहता है इसराइल जैनन में लड़ाकों ने पहली बार किया बड़े हथियार का इस्तेमाल इसराइली फौज का कर रहे डटकर मुकाबला और ईरान ने एयर डिफेंस के मामले में लगाई ऊंची छलांग उधर रूस ने यूक्रेन पर की गाजा के जैसी खतरनाक बमबारी। चलिए शुरुआत करते हैं संडे के इस स्पेशल शो की हमास ने कहा है कि जो आज सुबह बॉडीज मिली हैं छः हॉस्टेजेस की जिसमें दो लड़कियां हैं चार लड़के हैं ये सभी इसराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं हमास के गार्ड्स ने हमास के लड़ाकों ने इन्हें नहीं मारा अलकसाम ब्रिगेड ने इन्हें नहीं मारा किसी भी फलस्तीनी लड़ाके ने इनकी जान नहीं ली बल्कि ये इसराइली हमले में मारे गए हैं ये हेडलाइन है ईरान के प्रेस टी वी की हमास से इसराइली इस एयर स्ट्राइक स्किल्ड सिक्स कैप्टिवज इन सदन गाज़ा साउथ गाज़ा की एक सुरंग से इन सभी की बॉडी मिली थी जिसके बाद इसराइल ने कहा था कि हमास ने इन लोगों को मार डाला क्योंकि हम इन्हें हासिल करने इन्हें बराबंद करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे इसके बाद जो बाइडेन साहब गुस्से में आ गए बोले बदला लेंगे कमला हैरिस बोली हमास का नाम निशान मिटा देना चाहिए लिहाजा अब उन्होंने ये जानकारी दी है और आ, दूसरा जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है ना उसमें भी एक हेडलाइन है और उसमें भी हमास ने कहा है इन सिक्स हॉस्टेज़ हो, को लेकर कि नेतन्याहू याहू और बाइडेन इन कैप्टिव्स की इन हॉस्टेज़ की मौत के जिम्मेदार हैं और अगर अमेरिका यह हथियार जो दे रहा है अमेरिका जो इतना पारसा बन रहा है ये बताए कि वो हथियार क्यों दे रहा है क्यों फलस्तीनियों के खिलाफ हथियार दे रहा है इसराइल को छह लोग मर गए तो वो छाती पीट रहा है लेकिन चालीस हजार लोग मर गए उस पर कोई जवाबदेही अब तक अमेरिका ने तय नहीं की है छह लोगों के मारे जाने पर क्योंकि उसमें एक यूएस इजरायली एक अमेरिकन इजरायली सिटीजन था इसलिए जो बाइडेन को इतना गुस्सा आ रहा है सोचिए जिन लोगों ने चालीस हजार लोग खोए हैं उनमें कितना गुस्सा होगा यह हमास का पूरा बयान है इसमें क्या अमेरिका और नितिन याहू दोनों जिम्मेदार हैं अगर सीज फायर कर देते तो ये नौबत ना आती ये होस्टेजेस अपने घर के लोगों के साथ मिल पाते बैठ पाते खाना खा पाते अब हो क्या रहा है इस सब कुछ से वो मैं आपको बताऊं कि क्या इसराइल में माहौल है और कैसे नितिन याहू फंसने जा रहे हैं उससे पहले आप समझिए नो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी फॉर इसराइल एग्रेशन स्टॉप्स हमास और तमाम जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट है उन्होंने ये कहा है और अलमायदीन ने खबर छापी हम आपको बता दें इस खबर में यह लिखा है कि तमाम मूवमेंट्स ने कहा है कि जिस तरीके से आज वेस्ट बैंक में हमले हुए तीन पुलिस वाले मारे गए दो आई के लोग मारे गए तीन पुलिस वाले इसराइली मारे गए तो भाई उन सबका मारा जाना उसके बैकड्रॉप में अगर आप जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए ये सीधी सी बात है जब तक इसराइल का अग्रेशन फलस्तीनियों पर नहीं रुकेगा कोई भी सेफ नहीं इसराइल में कोई स्टेबिलिटी कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता जंग का खात्मा जंग से होगा अगर आप जंग लड़ना चाहते हैं तो हम जंग लड़ेंगे आपसे और अब हम सब मिलकर इकट्ठा लड़ेंगे वैसे भी लड़ रहे ले थे लेकिन अब जोरदार तरीके से लड़ेंगे खैर बैनग्वेर जो इतमार बैनग्वेर है इसराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर पुलिस इसके मातहत तो आती है अब तीन पुलिस वाले मारे गए तो इनका गुस्से में आना लाजिम था और वो आए और उसके बाद वो क्राइम सीन पर गए जहाँ वो पुलिस वाले मारे गए तो इन्होंने ये कहा बैंग ने मोस्ट कट्टरपंथी उग्रवादी किस्म का ये मिनिस्टर है इसने ये कहा कि शुड बी शॉट इन द हेड फलस्त शुड बी शॉट इन द हेड दलस्तियों के सर में सीधे गोली मारनी चाहिए इट मीनस के फलस्तीनियों को जान से मारो उन्हें घायल जख्मी मत करो उन्हें पकड़ो मत मा, सीधे मार दो गोली और ऐसी जगह मारो कि मर जाए इन इन नॉट सो सरप्राइजिंग मूव वही अखबार लिख रहा है लेबनान का है कि कोई अशरज की आश्चर्य की बात नहीं थी कि इजरायली ऑक्यूपेशन का पुलिस मिनिस्टर इतमार बैंगवे जो है वो कह रहा है कि फलस्तीनी टेररिस्ट हैं मर्डरर्स हैं ह्यूमन एनिमल्स हैं फलस्तियों को ये कह रहा है जी ये इनके ख्याल हैं और इतमार बैंगवे इसीलिए कहते हैं कहता है किसी ने गोली कभी कभी मैं सोचता हूँ ना मैं न्यूज़ का आदमी हूँ मेरे से नहीं होता यहाँ तो लोग डिमांड करने लगते हैं आप गाली दीजिए आप ये करिए बहुत से लोग कहते हैं आप सलाम कीजिए मैं आपके सलामों का जवाब देता हूँ ये एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है सर और यहाँ तमाम मजाहब के लोग आते हैं आपसे कोई कह दे जे एस आर बोलो फिर आप नहीं बोलते मैं किसी से कहूँ सलाम और वो जवाब ना दे और मैं ज़बरदस्ती सलाम कर रहा हूँ कि वो जवाब दे चीज़ों को अपने ऊपर लेकर सोचना शुरू कीजिए हम लोग जो ना वो कहते हैं कि हम हम बचपन में हमने वो मिसाल सुनी थी अपने लिए वसीहत दूसरे के लिए नसीहत ये मत करिए जो आपको पसंद नहीं वो मत करिए ये एक प्रोफेशनल न्यूज़ चैनल रहने दीजिए रिलीजियस चैनल जिस दिन खोलूँगा उस दिन सब करूँगा बहुत से लोग यहाँ पर सत जय भीम ये सब मैं नहीं करता सर ये आदाब है तहजीब का हिस्सा सब के लिए ठीक है मुझे लगता है मैंने अपनी बात को समझा दिया बढ़ते हैं आगे खबरों का रुख करते हैं अगली ख़बर का रुख करते हैं मिडिल ईस्ट मोनीटर के हवाले से ख़बर है जो कुछ वेस्ट बैंक में हो रहा है उसे इजिप्ट के अलहर अलहर अल यूनिवर्सिटी अलहर यूनिवर्सिटी ने कंडेम किया है निंदा की है और उन्होंने कहा है कि ये फ़लस्तीन का नाम व निशाना भिटा देने की एक साजिश है वेस्ट बैंक में स्केलेन इसलिए बढ़ रहा है कि पहले बस्तियों को शहरों को जाड़ा जाएगा और अगला निशाना अलक्सा मस्जिद है अलहर अलहर यूनिवर्सिटी को आप जान लीजिए ये तस्वीर है इतनी बड़ी है पुरानी मस्जिद है कदीम यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन होती है और ये जमानों से चल रही लगातार चल रही सबसे कदीम यूनिवर्सिटीज़ में से नंबर दो यूनिवर्सिटी है इस्लामिक स्कॉलर्स की तो ये यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम का जो है लर्निंग इंस्टीट्यूशन है ये यहाँ से ये एक बयान निकला है अलाजहर यूनिवर्सिटी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं पढ़ लें और खैर मुतमिन करने वालों को कभी नहीं किया जा सकता फलस्तीनियों ने, फलस्तीनियों फलस्तीनी ने इन जैनिन फलस्तनी जो जैनिन में है वेस्ट बैंक जैनिन शहर जैनिन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई हुई है फलस्तनीों के बीच आई के बीच यहाँ पर जो जैनिन में फलस्तनी मूमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने पहली बार आर का इस्तेमाल किया है सबसे बड़ा हथियार इसे आप इनका मान सकते हैं इन लोगों ने इनकी जो है वो तो इनके आगे हाथों में ऑटोमेटिक गन्स हैं बट इन्होंने आरपीजी शेल्स का इस्तेमाल किया जो गजा में हो रहा था वेस्ट बैंक में आरपीजी शेल का इस्तेमाल होने का मतलब है बहुत बड़ी तबाही आगे तय है अगर इनके पास बड़ी तादाद नहीं क्योंकि बड़ी मिक्स कम्युनिटी रहती है और बहुत ही संकरा है मामला लेकिन इसी खबर के बरक्स इसी खबर से जुड़ी हुई अगली आप हेडलाइन देखेंगे अनादोल न्यूज एजेंसी की तो आपको पता चलेगा कि भले एक बड़ा हथियार इस्तेमाल किया हो जैन में फलस्तीनी लड़ाकों ने लेकिन जो वेस्ट बैंक में और जेनिन शहर में इजरायली फोर्स कर रही है वो बहुत बड़ी तबाही है वो वैसे ही बिल्कुल अलामत हैं जैसे गज़ा में दिख रहे हैं हमें अभी जितने भी मजन नुमायाँ हमारी आंखों के सामने इसराइल ने सत्तर फीसदी जैनिन की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है ये जैनन की मुनसपैलिटी ने कहा है और महमूद अब्बास कहाँ हैं अब तक कोई सख्त बयान नहीं कहा ही नहीं कि हमारे लड़ाके अब उतर जाएं। वो अपने शहरों को तबाह होते देख रहे हैं महमूद अब्बास अब तक खामोश है ऐसे ही खामोश रहने वालों की हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया जाता है दुनिया में। ऐसे ही लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तस्लीम कर लिया जाता है सोचिए महमूद अब्बास का बयान नहीं आया अल अजहर यूनिवर्सिटी का आ गया महमूद अब्बास के इस मामले में कम से कम दिन में छह बयान आने चाहिए खैर अलमादीन लेबनान की वेबसाइट खबर यह है कि जैसी ही अब हम फिर वापस आ रहे हैं कुछ अगर हम एक सिरे में खबर एक सी बताते रहते तो आप बहुत से लोग भाग जाते हैं कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं यार तुम खींच रहे हो खींच रहे नहीं खबर की एक कहानी होती है होता ना चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री अब वो जो हो गया छः बॉडीज मिल गई हमास ने बता दिया कि इसमें इसराइल का हाथ है तो अब उसका इम्पैक्ट क्या है उन छः बॉडीज के मिलने का कि बेंच में नितिन के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है जाम है सड़कें इसराइल की जितनी तादाद में रोज़ वहाँ पर या सैटरडे संडे में लोग मुजाहरा करते थे उससे कई बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और उन सब का एक मुतालबा है नितिन याहू गद्दी छोड़ो इस सरकार को भंग करो नई नए इलेक्शन कराओ नया वजीर आज़म नई हुकूमत कायम हो जो हॉस्टेल्स डील करें जो बचे हुए हॉस्टेल्स हैं वो बच सकें क्योंकि उन सबको भी ये लगता है कि जब हमास ने दस ग्यारह महीने इन्हें नहीं मारा हॉस्टेज को तो आप क्यों मारेगा इट इन्हें हासिल करने के लिए या इनकी बॉडीज को हासिल करने के लिए एयर स्ट्राइक की होगी और ये लोग मारे गए हॉस्टेज जिंदा आए या मरे हुए वापस आए मिशन पूरा हो जाएगा बॉडीज आ जाए उसके बाद जो अब तक नहीं किया है वो भी कर दिया जाएगा जो मैं कहना नहीं चाह रहा मेरी जुबान कहते हुए लरज रही है आप समझ गए होंगे तो होस्टेज होस्टेज है भले बॉडी मिले चाहे रूह रूह के साथ मिले जिस थाउजेंड ऑफ इसराइलीज प्रोटेस्ट टू डिमांड होस्टेज यही मिडिल ईस्ट मॉनिटर की हेडलाइन है सबका ये कहना है कि डील कीजिए डील कीजिए फौरन कीजिए ताकि लोगों को बचाया जा सके और बेंजामिन नेतन्याहू का यहाँ पोस्टर भी लगा है ये तमाम इसराइली खड़े हैं आप बेंजामिन नेतन्याहू का अगर आप पोस्टर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे उसमें हिटलर है हालांकि जहां तक है नहीं है और बाकी लोग सभी लोग कह रहे हैं हमारे हॉस्टेज़ को वापस लाओ इसराइल के जो सबक वज़ी अजम लैपिड हैं और फैमिलीज़ जो हैं उन सब ने स्ट्राइक कॉल की है बंद बुलाया है हड़ताल बुलाई है जैसे ये छः लोगों की बॉडीज़ मिली हैं छः हॉस्टेज की गजा से सब ने कहा है बंद करो और से और इकनॉमी पर तो असर पड़ेगा इसराइल की लेकिन गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ेगा अब एक दो और ख़बर मैं आपको दे दूं उसके बाद रूस की ख़बर पर आते हैं वॉर ऑन गाजा लीव्स ट्रिपलेट्स एक माँ उसने पिछले साल अगस्त में पिछले साल अगस्त में बच्चों को तीन बच्चियों को पैदा किया कई साल आठ साल की आईवीएफ से उससे उसका इलाज वगैरह चलता रहा बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे एक फ़लस्तीनी लड़की छब्बीस चौबीस साल की तीन बच्चियाँ एक साथ पैदा हुई लेकिन उसने आज तक उन तीन बच्चियों को अपनी गले से नहीं लगाया शक्ल शायद एक बार पैदाइश के बाद देखिए हो क्यों क्योंकि उनकी तीनों बच्चियों की पैदाइश हुई थी ईस्ट जैरूसलम में जो वेस्ट बैंक में है इसराइल से परमिट मिला इलाज कराने का तो वो बेचारी इलाज कराने गई इधर नहीं हो रहा था वहाँ हुई वहाँ बच्चियाँ पैदा हुई उसके बाद उनका जो परमिशन मिली थी वो फ़ौर एक्सपायर हो रही थी तो वो उसे कराने के लिए उन्हें थोड़े दिन बाद क्योंकि उनकी बच्चियाँ तीन एक साथ हुई थी तो उन्हें मशीनों में रखा गया था वो वहीं बेचारी गजा तब तक जंग शुरू हो गई अक्टूबर में लास्ट अगस्त में पैदा हुई थी बच्चियाँ तो ये बच्चियाँ तो अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही लेकिन इन्होंने अपनी माँ को नहीं देखा इनके साथ बस नर्स हैं किसी बेबी केयर में हैं कोई स्कूटर पे बैठने लगी है माँ उधर तड़प रही है ये वो कहानियाँ हैं जो बाहर नहीं आती बस बम गोला बारूद बयान आता है मुझे लगा इन कहानियों से भी आपको रूबरू करवाना चाहिए कि लोग कैसे कैसे इस जंग में जूझ रहे हैं ईरान ने अपनी ताकत अपनी हवाई अपनी ताकत बढ़ा ली है और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के पांच एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार हो गया है आप समझिए इन एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं ईरान की वो दुनिया के पांच बड़े एयर डिफेंस सिस्टम के बराबर हो गई हैं और ये सारा ऐलान किया गया एयर डिफेंस डे जैसे एयरफोर्स डे होता है तो ईरान का एयर डिफेंस डे था आज और तब ये ऐलान आज ये एक सितंबर की हेडलाइन है और अलमादीन की हेडलाइन है और ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल वाला जो मामला है प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं वो लाजवाब है एयर डिफेंस के मामले में यानी जमीन से हवा में मार करने वाली अगर कोई फाइटर जेट आ रहा होगा तो मार गिराएंगे और ये भी कहा कि हम 300 किलोमीटर दूर से भी डिटेक्ट कर लेंगे एक बड़ी कामयाबी है ईरान के हक में अच्छा करंट रिपोर्ट में अब एक फोटो है अखबारों के हेडलाइन से आकर मैं एक्स के दो तीन आपको लिंक दिखाना चाहता हूँ रशियन फॉरन मिनिस्टर सगैल अवरोव ने ये कहा है कि टेररिज्म को सीरिया में रोकने के बजाय सीरिया में टेररिज्म को रोकने के बजाय वहां मौजूद अमरीकी फौज तेल निकालने में मशगूल है तेल निकाल रही है फ्यूल निकाल रही है सीरिया का यह है मिस्टर जो बाइडेन जो गुस्से में थे लेकिन इनकी तस्वीर आई है ये लगातार इन्होंने अपनी छुट्टी को एक्सटेंड किया है छुट्टी पर है क्योंकि इन्हें बता अब आगे तो हम नहीं रहेंगे प्रेसिडेंट तो ऐसा प्रेजिडेंट ये अपनी छुट्टी खूब मना रहे हैं पंद्रह दिन से छुट्टी पे थे ये सोलवा दिन उन्होंने एक्सटेंड कर लिया कुर्सी पर बैठे हुए हैं काली टी शर्ट में उनके गार्ड्स वगैरह आगे वो लगे हुए हैं और ये छुट्टी मना रहे हैं ठीक एक्सटेंड कर लिया वेकेशन गुस्सा भी आ रहा था इन्हें वेस्ट बैंक और गजा को लेकर ये वो ख़बर है आखिरी कि ग़ज़ा में जिस तरीके के हमने हमले देखे एक मिसाइल भारी भर का आकर गिरती है और पूरी बिल्डिंग हिलकर तबाह होकर ज़मीन दो हो जाती है वैसी इतनी बड़ी मिसाइल मैंने पहली बार रशिया के मतलब कमी देखी देखी है हमलों में देखी और बिल्डिंग पूरी एकदम तहस नहस हो जाती है तो मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ पहले आप हवा में उस मिज़ाइल को काला काला आते देख रहे हैं और उसके बाद दूसरे स्क्रीन शॉट में आप देख रहे हैं कैसे वहाँ पर गुबार उठता है बिल्डिंग भी थोड़ी सी तच्छी हो गई होगी तो तीन लोकेशन है रशियन बेलेटिन मिजाइल से खारकी में तीन लोकेशंस को हिट किया गया है शॉपिंग सेंटर स्पोर्ट एरोना और एक एरिया वाटर पार्क के करीब उम्मीद करते हैं संडे बिग न्यूज में आपको काफी अहम खबरें दे दी हु, गई होंगी मुझे कहा गया था हुक्म था कि छुट्टी कर लीजिए किसी दिन आराम कर लीजिए आराम नहीं करेंगे तो ऐसा लंबा नहीं खेल पाएंगे तो मैंने कहा यार खबरें आ जाती हैं ना तो मुझसे रहा नहीं जाता पर मुझे लगता है खबरें शेयर करनी चाहिए तो बस आज मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है तो दुआ कीजिएगा कि उनका मुस्तक दो साल की हुई है उनका मुस्तकबिल और नसीब बुलंद हो बहुत शुक्रिया